हमारा दिल जानता है हम किस तरह से काम कर रहे हैं दोस्तों। लेकिन आज मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा जिसको सुन के आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। यहां इतने सारे हजारों लोग खड़े हैं, आज आपसे पूछना चाहता हूं इनमें कितने यूपी बिहार के हैं, पूर्वांचली हैं, जरा हाथ खड़े करके बताएं। दोस्तों आपको जान के ताज्जुब होगा, भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली के 15 लाख पूर्वांचलियों के वोट कटवा दिए। 15 लाख पूर्वांचलियों के वोट कटवा दिए। अभी डेढ़ महीना पहले मैं आया, मेरे को किसी ने बताया, मेरे को भी नहीं पता था, मेरे को किसी ने बताया भाई साहब दिल्ली में पूर्वांचलियों के, मुसलमानों के और बनियों के भारतीय जनता पार्टी खूब वोट कटवा रही है। मैंने कहा झूठ बोल रहा है। उसने मेरे को 3-4 विधानसभाओं का डाटा लाके दिखाया। मैंने डेटा देखा, फिर मैंने जब सारी इंक्वायरी कराई तो पता चला 15 लाख पूर्वांचलियों के कटवा दिए, 4 लाख बनियों के कटवा दिए, 8 लाख मुसलमानों के वोट कटवा दिए भाजपा। क्यों कटवाए? भारतीय जनता पार्टी शुरू से यूपी बिहार के लोगों के खिलाफ है। बंबई में आप पढ़ते होंगे, बंबई के अंदर यूपी और बिहार के लोगों के मार मार के वहां से भगाया जाता है। अभी थोड़े दिन पहले आपने सुना होगा गुजरात के अंदर किस तरह से यूपी और बिहार के लोगों को, पूर्वांचलियों को मार मार के गुजरात से भगा रहे थे। वही सिलसिला इन्होंने अब दिल्ली में शुरू कर दिया। तुगलकाबाद में, संगम विहार में, वहां पे इन्होंने पूर्वांचलियों पे हमले शुरू कर दिए हैं भारतीय जनता पार्टी वालों ने। यहां भी ये दिल्ली से पूर्वांचलियों को भगाना चाहते हैं। अब इन्होंने शुरू कर दिया कि इनके वोट ही कटवा दो। वोट कट गए तो दिल्ली के नागरिक नहीं बचेंगे और उसके बाद ये पूर्वांचलियों को दिल्ली से भगाने की कोशिश करेंगे। मैं आज इस मंच के जरिए कहना चाहता हूं, भाजपा वालों, जब तक केजरीवाल जिंदा है हाथ मत लगाना तुम पूर्वांचलियों को, उनकी तरफ आंख उठा के मत देखना। बनियों के वोट क्यों कटवाए? भारतीय जनता पार्टी कहती है हमको मुसलमानों से नफरत है, तो पूर्वांचलियों और बनियों के वोट क्यों कटवाए? बनियों के वोट इसलिए कटाए, पिछले 3 साल से इन्होंने जीएसटी कर दी, इन्होंने नोटबंदी कर दी, सारे व्यापारी दुखी हैं। अब बीजेपी वालों को लगता है ये बनिए इस बार वोट नहीं देने वाले, तो इनके वोट ही कटवा दो। दोस्तों चिंता मत करना, मैंने लड़ लड़ के, ये इलेक्शन कमीशन भी बीजेपी वालों का है, ये भी सुनते नहीं है, मैंने लड़ लड़ के इनसे सारी लिस्ट ले ली। 30 लाख वोट कटवाए हैं बीजेपी वालों ने, 30 लाख। मेरे पास सारी लिस्ट आ गई, अब मैं लड़ रहा हूं, जितने लोगों के वोट कटवाए हैं सारे दोबारा बनवा दूंगा आप लोगों के वोट, आप चिंता मत करना। ये तो भगवान का शुक्र करो टाइम पे पता चल गया। अगर टाइम पे पता नहीं चलता, आप जिस दिन वोट डालने जाते वो कहते जी आपका तो वोट कट गया आप जाओ घर, उसी दिन पता चलता। मैं चुनाव आयोग में गया, मैंने कहा जी लिस्ट दो, इलेक्शन कमीशन कहता है लिस्ट नहीं देंगे किस किस के वोट काटे। मैंने कहा कैसे नहीं दोगे, देने पड़ेंगे। सारी लिस्ट आ गई है मेरे पास, 30 लाख के 30 लाख वोट जितने कटे आ गए हैं, एक एक का वोट बनवा दूंगा, चिंता मत करना। लेकिन फिर यूं कर मत कर देना, वोट तो बनवाए केजरीवाल और दे आओ मोदी को, ये धोखा मत कर देना। नहीं कर, सही बात है ना। दूसरी चीज, आप सारे कच्ची कॉलोनियों में रहते हो, कौन कौन चाहता है कच्ची कॉलोनियों में कच्ची कॉलोनियों को पक्का किया जाए, हाथ खड़े करके बताओ जरा सा। कौन कौन चाहता है कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बने? कौन कौन चाहता है कच्ची कॉलोनियों में सीवर बने? कौन कौन चाहता है कच्ची कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट लगे, नालियां बने, गलियां बने? दोस्तों जैसे ही हमारी सरकार बनी थी 3.5 साल पहले, हमने 3 महीने के अंदर, सरकार बनने के 3 महीने के अंदर कच्ची कॉलोनियों को पक्का बनाने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को बना के भेज दिया।
हमने कहा जी कच्ची कॉलोनियों में जनता बड़ी तकलीफ में रहती है, इनको पक्का करने का प्रस्ताव हमने मोदी सरकार को 3 महीने के अंदर भेज दिया। आज 3 साल हो गए, 3 साल में इन्होंने प्रस्ताव पारित नहीं किया। इन्होंने क्या किया, सत्येंद्र जैन जो हमारा मंत्री है उसने रात दिन मेहनत करके आपकी कच्ची कॉलोनियों को पक्का बनाने का प्रस्ताव बनाया था। सत्येंद्र जैन ने जितनी दिल्ली की कच्ची कॉलोनियां हैं वो मेरे पास 1 साल पहले प्रस्ताव लेके आया, बोला सीएम साहब पक्की तो होने में टाइम लग रहा है, तब तक सारी कॉलोनियों का विकास कर देते हैं, सारी कॉलोनियों में सीवर, पानी, सड़क और नाली, इन 4 चीजों का प्रस्ताव लेके आया। 3,350 करोड़ रुपए का प्रस्ताव था, हमने पास कर दिया। अब दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियों में एक साथ सीवर का, पानी का, नाली का और सड़क गलियां बनाने के पूरी दिल्ली के अंदर टेंडर हो रहे हैं, 1-1.5 साल के अंदर सारी कॉलोनियों में काम शुरू हो जाएगा। बताओ अच्छा करा के बुरा करा। और मोदी सरकार ने क्या करा, सत्येंद्र जैन के ऊपर परसों केस कर दिया। किस लिए केस किया, उसमें चार्जशीट में लिखा है आप दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का बनाने का प्रस्ताव कर रहे हो, ये जुर्म है, इसलिए केस किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या दिल्ली की कच्ची कॉलोनियों को पक्का करा जाए, सत्येंद्र जैन के ऊपर इस जुर्म में केस कर दिया कि सत्येंद्र जैन ने 3 साल पहले कच्ची कॉलोनियों को पक्का बनाने का प्रस्ताव किया था। आप सत्येंद्र जैन पे दबाव बना रहे हैं कि ये प्रस्ताव वापस लो। सत्येंद्र जैन से मैंने पूछा, सत्येंद्र जैन बोला भाई साहब घबराना मत, 100 केस कर देंगे मेरे ऊपर, मैं कच्ची कॉलोनी को पक्का करा के रहूंगा। क्यों करा इन्होंने केस, क्यों पक्का नहीं करना चाहते ये लोग बीजेपी वाले, उसका बड़ा कारण है प्रधानमंत्री मोदी जी आजकल खूब विदेश घूम रहे हैं, लंदन जाते हैं, जापान जाते हैं, पेरिस जाते हैं, अमेरिका जाते हैं, कनाडा जाते हैं, खूब घूम रहे हैं, विदेश देख देख के आते हैं। मोदी जी को ये लग रहा है ये कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली को गंदा कर रहे हैं। मोदी जी कहते हैं जब हमारे विदेश से लोग आते हैं वो कच्ची कॉलोनियां देखते हैं तो शर्म आती है, मोदी जी को कच्ची कॉलोनी वालों से शर्म आती है। मोदी जी कहते हैं कच्ची कॉलोनी वाले दिल्ली गंदा कर रहे हैं, कच्ची कॉलोनी में चोरियां होती है, चोर रहते हैं। मैं कहना चाहता हूं मोदी जी चोरी आप करते हो, पूरा देश जानता है, रफेल में 36,000 करोड़ रुपए खा गए, डकार भी नहीं ली। मेरी कच्ची कॉलोनी वाले चोरी मन नहीं करते, इनको खबरदार अगर तुमने चोर कह दिया तो। वो उन्होंने प्लानिंग कर रखी है बीजेपी वालों ने, अगर दोबारा इनकी सरकार आ गई तो दिल्ली की सारी कच्ची कॉलोनियां तोड़ देंगे ये लोग। लेकिन दोस्तों जब तक केजरीवाल जिंदा है चिंता मत करना, हम कच्ची कॉलोनियों को लंदन बना के दिखाएंगे, पेरिस बना के दिखाएंगे, कच्ची कॉलोनियों को टूट नहीं देंगे। कच्ची कॉलोनियों में हमारे भाई रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में हमारे भारत के लोग रहते हैं, कच्ची कॉलोनियों में पाकिस्तानी नहीं रहते। हम कच्ची कॉलोनियों में सड़कें बनवाएंगे, हम कच्ची कॉलोनियों में स्ट्रीट लाइट्स लगवाएंगे, हम कच्ची कॉलोनियों में पानी देंगे, सीवर देंगे, आप सब लोगों को इज्जत की जिंदगी देंगे। लेकिन इस बार जब चुनाव आए तो मोदी जी को परमानेंटली लंदन भेज देना, उनको बोलना आपको भारत की जरूरत नहीं है।